तमिलनाडु में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ AIADMK की आंतरिक कलह के बीच ओ पन्नीरसेल्वम ने शशिकला के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है। पन्नीरसेल्वम ने कहा कि वह राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा वापस लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी को धोखा नहीं दिया और न ही बीजेपी के इशारे पर कुछ कर रहा हूं। इसके साथ ही पन्नीरसेल्वम ने सदन में अपना बहुमत साबित करने की भी बात कही। उनका कहना है कि जनता उन्हें पसंद करती है और उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया था। खबरों की माने तो पन्नीरसेल्वम को 4 या 5 विधायकों का ही समर्थन हासिल है। ऐसे में सियासी लड़ाई में पहला राउंड शशिकला जीतती नजर आ रही हैं। हालांकि पन्नीरसेल्वम ने कहा है कि वह हाउस में अपनी ताकत साबित करेंगे। अब सबकी नजर शशिकला पर है। वहीं पन्नीरसेल्वम के इस दावे के बाद पार्टी की महासचिव शशिकला ने विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के लिए पार्टी मुख्यालय में 130 विधायक मौजूद हैं। वह गवर्नर के चेन्नई पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात कर सत्ता पर अपना दावा ठोक सकती हैं। उधर पन्नीरसेल्वम ने जयललिता की मौत का मामला उठा दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली में कहा कि बीजेपी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले पर राज्यपाल सही समय पर सही कार्रवाई करेंगे। वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यपाल के पास संवैधानिक शक्तियां हैं। इससे पहले कल शशिकला ने पन्नीरसेल्वम पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया था। तो पन्नीरसेल्वम को जनशक्ति पर भरोसा है। उनका कहना है कि जयललिता ने उन्हें सीएम बनाया था, उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया था। अब देखना होगा कि राज्यपाल विद्यासागर राव इस पर क्या फैसला लेते हैं और सियासत की लड़ाई कौन जीतता है। देखते रहिए डीबी लाइव।